जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक और कुंडली लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं। नाम है भगवती लाल जैन। डेट ऑफ बर्थ 19 दिसंबर 1990। टाइम 5:57 AM। पैलेस नाथद्वारा, राजस्थान। इन्होंने पूछा है सेटलमेंट कब तक होगा लाइफ में, लाइफ सेट कब होगी। और सिंगिंग के बारे में इन्होंने पूछा है, तो चलिए इनका कुंडली विश्लेषण करते हैं। इनका जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है, जो अनुराधा नक्षत्र में था। और इनके स्वयं का जो नक्षत्र है वो पूरा साढ़ा तीसरा चरण यानी शुक्र के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। राशि है धनु। और सबसे योग कारक ग्रह जो है वो शुक्र है, शनि है, मंगल है। धन भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, साथ में अमावस योग भी है। तो अमावस योग की वजह से इनको थोड़ी तकलीफ तो रहेगी धन के मामले में। गुरु पर शनि राहु की दृष्टि भी इनको कुछ हद तक तकलीफ देगी। अभी फिलहाल मंगल की महादशा चली हुई है, जिसके अंदर चंद्रमा की अंतर्दशा चली हुई है। अभी इनको काफ़ी बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है सेटलमेंट करने में। भागा दौड़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी धनु राशि पर 7.5 भी चली हुई है मध्य चरण की, जो संघर्ष करवाएंगे। तो अभी संघर्ष से हारी है मत, सोच समझ के डिसीजन लेना है, काम करते रहना है, आगे बहुत फायदा होगा धनु राशि को। तो एक तो इनको इन्होंने पूछा था कि लाइफ सेटलमेंट होगा तो होगा 2021 के आसपास, आप लाइफ सेटलमेंट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अभी जो मंगल की महादशा चली हुई है उसमें आपको हनुमान जी की सेवा करनी है, और हनुमान जी की सेवा से आपको मंगल की महादशा का भी फायदा हो जाएगा। आपको शनि की 7.5 का भी फायदा मिल जाएगा। हनुमान जी आपका वृश्चिक लग्न है, हनुमान जी आपको अनेक फायदा देंगे। एक तो आपको मंगलवार को 21 मंगलवार के व्रत करने हैं। अब प्रतिदिन सुबह और शाम एक एक माला रुद्राक्ष की माला से ओम हंग हनुमते नमः है मंत्र का जाप करना है, और हनुमान चालीसा 11 बार दिन में कभी भी पढ़िए। और सुंदरकांड है, रामायण है, इत्यादि ग्रंथ भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत लाभकारी रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। मंगलवार के 21 व्रत करें आप, उसका संकल्प जरूर लें, जिससे आपको फायदा होगा। और शनि की 7.5 चल रही है, जो अवरोध पैदा करती है, शारीरिक पीड़ा देती है, मानसिक पीड़ा देती है, चिंता देती है, हर कार्य में अवरोध उत्पन्न करती है। उससे बचने के लिए आपको शनिवार को प्रातःकाल स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के लिए तांबे का पात्र, उसमें एक बूंद गंगा जल, एक चुटकी चावल, एक चुटकी काले तिल, एक चुटकी शक्कर, लाल चंदन डाल के आपको पश्चिम दिशा में मुंह कर कर ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह सनश्चराय नमः है मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाना है। वहां पर आसन बिछाकर 3 माला ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह सनश्चराय नमः है मंत्र का जाप करना है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का जाप करना है। शनिदेव और शनिदेव की पत्नी, दोनों के 12 12 नाम है, उनका जाप करना है। इससे आपको तुरंत फायदा होगा, तुरंत लाभ होगा, इतना आप कीजिए, बाकी हनुमान जी करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बर्थ डिटेल्स, कोई भी 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।
इसी के साथ ही मैं विदा लेना चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।